हेलो दोस्तों, ये एक्स एम जी क्यू वाई 50 के 50 टन क्रेन है, पुराना मॉडल। हम इसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं, ये आपको बताते जाएंगे। ये ऊपर जो निशान है ये लैमर स्विच का, ये वार्निंग आपको देगा जो आपका कैपेसिटी बराबर रहेगा। ये स्टाप का निशान है और ये जो येलो है ये ग्रीन तक रहेगा तो आप सेफली वर्किंग है। येलो में रहेगा चलो फिर भी सेफली है, रेड पर जाएगा आप खतरे में हैं। ये भी आपको हम दिखाते हैं, अभी हम ऊपर हुक टाइट कर रहे हैं। ये अभी हुक हमारा टाइट हो रहा है, ये देखिए लैमर स्विच का लेट बच गया, आवाज़ भी बच गया। यही पर हमने नीचे कर दिया, ये देखिए ये प्लेट भी बज गया और आवाज़ भी बंद हो गया। इसके बाद इसके ये जो बटन है के ऊपर ये बटन है, ये दबाएंगे आप, ये दबाने का ये आ जाएगा ओम वन सेटअप। यानी क्या ना है, आप चोटॉक पे कर रहे हैं, बड़ा ऑक पे कर रहे हैं, अभी हमारा ये चोटॉक पे है। फिर ये नीचे ए वन का निशान बटन जो बना हुआ है, निशान भी ऊपर गया, ये दबाएंगे हम। ये इधर आ गया 08, ये बड़े ओक का है ना, छोटे ओक है, जो बड़ा ओक है उसका हम दबाएंगे। ये निशान फिर दबाएंगे, ये आगे आइट के पर, फिर एक दबाएंगे 0 जो 1 है वो बड़े ओके है, ये दबा के फिर इधर आएंगे ओके पर। ये अभी हम वराउंगल ओके पर है, ये ओके हमने दबा दिया, ये अभी हमारा बड़ा ओक पे हो गया। चार पार्ट पे हमारा क्रेन, इधर से हमारा क्रेन 60 टन 700 kg उठा सकता है, 300 kg ओक की स्लब किया हुआ है, 57 भी हमारा डिग्री है। ये रेडियस है 11.4 या 3, ये सही दिया है 11.5 मीटर है समझो, ये 22.7 हमारा बूम निकला हुआ है, 22.5 मीटर हमारा हाइट है, 5:18 ये टाइम दिखा रहा है। ये जो दिखा रहा है ये रस्सी दिखा रहा है, अभी हमारा चार पार्ट है बड़ा ओक का और ये जो है ओम वन ये बड़े ओक का है। अभी हम वापस इसको छोटा ओक पे डालेंगे, ये देखिए ये बटन अभी हम दबाएंगे, ये दबाया ये फिर ओम आ गया। ये इधर एक अगर दबाएगा तो ये ओम ऑन हो जाएगा, तो ये ओम ऑन होने के बाद हम फिर इधर जाएंगे, ये बटन दबा के वन पे ले, इधर 8 दबाने का, ये 8 दबाने के बाद ये हो गया, ये ओके दबाएंगे, ये छोटा ऑक पे हो गया, छोटा ऑक पे उधर देखो, ये देखो सेटअप भी हो गया। इधर अभी छोटा ऑक पे हम 4 टन से ज़्यादा नहीं उठा सकते 50 टन क्रेन पे। ये जो दिखा रहे हैं ये अब बटन आप दबाएंगे तो इससे जो ऊपर डिग्री आपका जाएगा ये कटअप हो जाएगा, इतनी पे आपने यानी जितनी पे आपने डिग्री स्टॉप रखनी है। ये बटन जो आप दबाएंगे तो डिग्री आपका जो है यानी इससे और ज़्यादा डोल नहीं होगा। ये जब जिस टाइम अलार्म बजे बाईपास आप लगा दिया, ये बटन दबा के साइलेंट हो जाता है। और फिर आपको और बताइए, ये जब आप बटन दबाएंगे ये आ गए, ये ऊपर लिखे हुए ये रिव सेटअप यानी रस्सियाँ, 4 पार्ट पे भी हमारे जैसे आपको बताया ना, 4 पे हैं, ये 2 दबाएंगे, ये देखिए हमारा 4 पे, अगर 6 पे करना चाहे 6 पे भी कर सकते हैं, 2 रस्सी पे 2 पे, 12 पे करना हो 12 पे कर सकते हैं। ये वापस यूटर्न का है, यूटर्न का नीचे ये देखिए टाइम का है, और सिस्टम का कोई मसला हो तो सेटिंग इधर से होता है, ये होता है। और अभी इसका जो ये ई आप मारेंगे, ये ई वाला, इसमें क्या है, इसका मतलब बनता है ई का एरो, ये अभी कोई नहीं शो करें ना, लेकिन जैसे मैं अभी ये ऊपर देख लीजिए, ये अभी हम मारेंगे लेवर से चमटक करेंगे, तो ये मारेंगे कि केस का क्या मसला है, तो ये आप मारेंगे तो फिर शो हो जाता है, लेकिन इसका भी कोई प्रॉब्लम है, बटन काम नहीं कर रहा है। ये पुराना मॉडल क्रेन का है, आपने देख लिया, ये देखा बाईपास का बटन ख़त्म हो जाएगा। ओके ठीक है, आज का हमारा वीडियो नहीं रहेगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हे मशीनरी नंबर 1।